गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदुओं को जगाने के अभियान पर आखिर क्यों निकले हैं? दरअसल सीमांचल जिनमें 4 जिले आते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। ये जिले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटे हुए हैं। ये चारों जिले मुस्लिम बहुल हैं। किशनगंज में तो मुस्लिम आबादी 68% से भी ज्यादा है, यानी यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं। कटिहार में भी मुस्लिम आबादी करीब 45% है, यानी कि यहाँ हिंदू और मुसलमान करीब करीब बराबर हैं। अररिया में 43% मुस्लिम है और पूर्णिया में 39% मुसलमान आबादी है, इसलिए इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह को उनकी लाश पर से होकर गुजरना होगा। और ये यात्रा तो नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर भोंकने की यात्रा है। नीतीश कुमार जी का जो फेस है, सेक्युलरिज्म का एक ह्यूमन नेचर जो उनका है, तो क्या ये सही है? हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी से कि आप तो हमेशा प्रतिबंध लगाए हैं एक एक चीजों पर। क्या ये जो कोशिश सीमांचल को छूना गया, इसके पहले भी बहुत लोग स्वार्थ बिगाड़ने की कोशिश की, रितंबरा, उमा भारती, बहुत लोग चला क्या? आप यात्रा निकालिए, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी राजनीति अपनी सियासत करने के लिए, लेकिन किसी जाति को गाली दीजिएगा, किसी इंसान को गाली दीजिएगा, नफरत पैदा कीजिएगा, तो पप्पू यादव के रहते तो ये इस जन्म में संभव है। दरअसल सीमांचल में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में सीमांचल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। 2019 में 4 में से 3 सीटें जीतने वाली एनडीए को इस बार इसी सीमांचल की केवल 1 सीट मिली, कटिहार सीट, जहां 45% मुस्लिम वोटर्स है। वहां से कांग्रेस की तारिक अनवर जीते और जीत का मार्जिन करीब 50,000 रहा। 2019 में यही सीट एनडीए के पास थी। किशनगंज सीट, जहां 68% मुस्लिम वोटर्स है, वहां भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद करीब 60,000 वोट से यहां पर जीत गए। पूर्णिया सीट से खुद पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते। हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। ये सीट भी जेडीयू के पास थी, यानी 2019 में जेडीयू ने जीती थी, एनडीए के पास थी। अररिया ही एक ऐसी सीट है जो पिछली बार भी बीजेपी के पास थी और इस बार भी बीजेपी ने 20,000 वोटों के मार्जिन से यहाँ पर जीत दर्ज की। कहा यह जाता है कि हिंदू वोटर्स के बंटने की वजह से ही रिजल्ट ऐसा हुआ। तभी तेजस्वी यादव गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है, करारा जवाब मिलेगा।